हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिकअप कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। ओके, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस है। आप ऑप्शन को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो और फिर कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 के बीच में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में हो, और अगर आपको कार्ड से सेलेक्ट करनी है फिर ये कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ओके, अगर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में हैं, और अगर आपको कार्ड से सिलेक्शन करनी है देन दिस इज़ द कार्ड। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है ये आपकी रीडिंग है, या फिर आपने बर्थडे से सिलेक्शन किया इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। ओके, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ किसी भी ईयर। अनदर थिंग इज़ दैट आप अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, सेकेंड मैरिज और थर्ड मैरिज के लिए भी देखना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। ओके, यानी कि अगर आप री मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो, आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग होगी सो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट हो रही है उसे रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है मैसेजेस। ओके, सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आपकी शादी होगी किससे और फिर हम देखेंगे लव होगी या अरेंज मैरिज होगी। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है किससे होगी शादी। वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। Memories of love, which is 6 of cups, and then we have discontent and boredom. So option number 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का जॉडियक साइन लिब्रा हो सकता है, ठीक है, सन मून राइजिंग या फिर आपका हो सकता है ये। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी ये पर्सन आपके ही सेम स्टेट ही और स्टेट से हो सकता है, इट मीन्स कि ये पर्सन लोकल हो सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी हो सकते हैं, ठीक है, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड विद द 6 of Pentacles कार्ड मुझे यहाँ पे दिखता है विद द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉस्पेरस होने वाले, इट मीन्स इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो डेफिनेटली ये पर्सन रिच होने वाले हैं, इनके पास इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतनी होगी जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी सेटिस्फाइड है और इनकी लाइफ अच्छे से चल रही है। ओके, इस पर्सन के पास एक अच्छा बड़ा घर हो सकता है। ओके, एंड यस, ये पर्सन हमेशा ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, इनको ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। ओके, और यस, ये पर्सन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। सो ये पर्सन जल्दी सुबह उठना, एक्सरसाइज करना इस पर्सन का नेचर होगा। ओके, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, इस पर्सन का बर्थडे जून में आता हो मुझे यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है या तो फिर ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ठीक है ना, एंड कुछ लोगों के लिए यस डेफिनेटली ये मैसेज यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो। ओके, या तो फिर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, और आप कुछ लोग हो सकते हैं वही पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ओके, एंड ये जो आपकी रिलेशनशिप चल रही है वो मैरिज में कन्वर्ट होगी ऐसा मुझे यहाँ दिखता है। ओके, एंड यस, हो सकता है करेंटली आप इस पर्सन से सेपरेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा आप वरीड हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मैसेजेस यहाँ पे कि ये वही पर्सन है। ओके, मे बी ये पर्सन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएंगे, और इस पर्सन के साथ रहने से आपको काफ़ी ज़्यादा ही स्टेबल फील होगा, आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही लॉयल और ट्रस्ट वर्दी दिखेंगे, ठीक है।
और मुझे यहाँ दिखता है ये पर्सन बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते होंगे किसी बात पे, ठीक है, ये टॉक्सिक वे में नहीं है, बट इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपने घर में सिबलिंग्स में सबसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, इनके बड़े भाई बहन हो सकते हैं और ये पर्सन छोटे होंगे। ओके, इस पर्सन का बर्थडे अक्टूबर में आता हो, जून में आता हो, ओके, या इस पर्सन का बर्थडे 6 को आता हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए आगे देखते हैं अभी क्या पता चलता है। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, वी हैव द टावर, ओके, एंड देन वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके, एंड कुछ लोग यहाँ पे फायर साइन हो सकते हैं आप, ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वेल्दी होने वाले हैं, रिच होने वाले हैं, ठीक है, एंड आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, लाइक ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझेंगे और आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझोगे। सो ये पर्सन चाहे किसी से बात करते हो या ना करते हो, कम बोलने वाले हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, आप लोग फ्रेंड की तरह पहले बनोगे, ठीक है, तो ये पर्सन हो सकता है आपके पहले फ्रेंड बने और फिर आप लोगों की शादी होगी, ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन विद द 10 ऑफ कॉइन्स काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ठीक है, तो अपने अगर इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल गई, ठीक है, तो ये पर्सन अपने वादों को निभाएंगे, ओके, एंड हो सकता है इस पर्सन की फैमिली बहुत बड़ी हो और काफ़ी वेल नोन फैमिली हो सकती है एंड काफ़ी अच्छी फैमिली होगी, ठीक है। 10 ऑफ कॉइन्स सोच में कि ये जो फैमिली इस घर में आप जब जाओगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, स्टेबल लोग होंगे और यस काफ़ी हेल्पफुल लोग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, और जब आप इस पर्सन के घर में जाओगे तो ये लोग काफ़ी खुश होंगे, ठीक है ना, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा इस पर्सन से भी और इनकी फैमिली से भी, ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, बट अभी आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, कोई सेपरेशन का टाइम चल रहा है, एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है ना, रीमैरिज के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है किस तरह की पर्सन से आपकी शादी होगी, ओके, एंड हो सकता है इस पर्सन का ऑलरेडी ये पर्सन शादीशुदा है, ठीक है, एंड इनकी भी कोई डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस गुजर रही है। अब ये जो बात मैंने कही है ये उन लोगों के लिए कही है जिनकी रीमैरिजेस के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स दिखा है, ठीक है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स शोज मी कि ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनकी ऑलरेडी डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है, तो यस रीमैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपकी मैरिज यहाँ पे पॉसिबल है, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है ना, एंड ये पर्सन बहुत ट्रैवल भी करते हैं, काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बिजी है, एंड वर्कहॉलिक हम कह सकते हैं, ये पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, ओके। किसी तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये पर्सन वर्क करते हैं, किसी तरह के मैसेज सेंटर में ये पर्सन वर्क करते हैं, इस पर्सन का कोई ट्रैवल एजेंसी में ये पर्सन वर्क करते हैं वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने विलेज को विजिट करते हैं, रूरल एरियाज जहाँ पे इस पर्सन के एंसेस्टर्स के घर होंगे वहाँ पे ये पर्सन काफ़ी विजिट करते हैं, क्योंकि ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इन बुद्धिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, बाय रिलीजन ये पर्सन बुद्धिस्ट हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या पता चलता है। 15 नंबर आपका बर्थडे दिखाता है, ओके, एंड अगेन आई कैन सी 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग 10th को मिल सकते हो या फिर आपकी शादी हो सकती है किसी भी मंथ के 10 जून को हो सकती है, ओके। वी हैव मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एव एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल, ओके। समवेयर यस आई कैन सी विद द 2 ऑफ कॉइन्स ऑल्सो, ये पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं या फिर इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से समवेयर इस पर्सन को ना शांति नहीं मिल पाती अपने लाइफ में, बहुत बिजी रहते हैं, ओके। सो यस ये पर्सन वैसे हो सकते हैं लाइक बहुत हड़बड़ी में काम कर रहे हैं या इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ओके, एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इन्होंने खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, सो इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकता है, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड वो काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो रहा है। वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, सो डेफिनेटली आप बहुत ही रिच और स्टेबल फैमिली में जा रहे हो, एक लग्जरियस लाइफ यहाँ पे आप बिताओगे, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी रिच है, बट समवेयर मुझे यहाँ पे दिखता है इस पर्सन की इमोशंस जो है ना
टू ऑफ कॉइन्स, इनको ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का. ओके सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. बट ये पर्सन अपने आप को काम करना जानते हैं. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन योगा करते हैं. मैंने जब रीडिंग शुरू किया तो ही मैंने बताया कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं. सो ये पर्सन, इस पर्सन को पता है कैसे अपने दिमाग को शांत करना है. मे बी ये पर्सन योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. ओके बट ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं. सो चलिए आगे देखते हैं. वी हैव फ्रेंडशिप. मैंने आपको बताया ना ये पर्सन आपके फ्रेंड बनेंगे ना. आप लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगी. ठीक है ना, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके फ्रेंड ग्रुप में है या फिर आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये. एंड आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ब्यूटीफुल होगी. फ्रेंडशिप. फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स. नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड इनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स. यस, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझेंगे. ओके एंड आपकी कोई भी ड्रीम्स है या आप कुछ करना चाहते हो तो ये पर्सन आपको जज नहीं करेंगे. आप जैसे भी हो ये पर्सन आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपके ड्रीम्स में. ठीक है ना, एंड आपको इनकरेज भी करेंगे ये पर्सन आपकी लाइफ जर्नी में. सो ये पर्सन आपके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की तरह तो आएंगे ही बट एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन के आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ओके काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे ये. ओके विद द वाटर साइन एंड विद द मून एनर्जी आई कैन सी ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं. एंड यस, ये पर्सन नाराज़ बहुत जल्दी होते होंगे. ठीक है ना, तो काफ़ी इनोसेंट है, कोई भी बात इनको बहुत जल्दी चुभ जाती है. ओके मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ. सो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आपकी शादी जो होगी वो लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होगी. फिर हम चिट से भी देखेंगे और भी इंफॉर्मेशन. प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर वन. शादी लव मैरिज होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली है, प्लीज़ हेल्प मी. वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स. ओके सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओके वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स. ओके बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ कप्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हेयर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हेयर, सिक्स ऑफ कप्स हेयर एंड सिक्स ऑफ कप्स हेयर. ओके सिक्स नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड सिक्स शोज मी कि ये पर्सन और आप दोनों की जो बॉन्डिंग होगी ना काफ़ी स्ट्रांग होगी. ओके विद द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन आपके सोलमेट होंगे ही. ओके यहाँ पे ये कंफर्मेशन है. ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो मैरिज होगी ना वो ऐसी होगी लाइक आप चैलेंजेस को फेस करोगे. ठीक है, आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर सिंगल भी हो ठीक है, तो भी मुझे यहाँ पे आपकी लव मैरिज दिख रही है. आपकी शादी लव मैरिज होगी. इस पर्सन को आप पहले डेट करोगे या फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं ऑलरेडी. ओके कुछ लोग मे बी ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आपको फील होता है कि ये वो पर्सन है नहीं. मे बी कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस है या फैमिली नहीं मान रही है. बिकॉज एट ऑफ सोर्स कार्ड शोज मी कि आप बहुत मजबूर फील कर रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है. सभी के साथ अलग अलग प्रॉब्लम है. कुछ लोगों के लिए फैमिली नहीं मान रही है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए डिफरेंसेज है. ओके बट शादी जो होगी ना आपकी वो लव मैरिज होगी. इवन देन आप सिंगल हो बट आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे, डेट करोगे एंड देन फिर इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी. और कुछ चैलेंजेस तो आप फेस करोगे ही एंड हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप लोग सेपरेट भी हो जाओ. आफ्टर दैट आप इस पर्सन को भूल नहीं पाओगे या फिर इस पर्सन को कभी लेट गो नहीं कर पाओगे एंड उसके बाद आपकी इस पर्सन से शादी होगी. ठीक है ना, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स शोज मी कि यस आपकी इस पर्सन से शादी हो रही है एंड लव मैरिज हो रही है इस पाइल के लोगों की. यहाँ पे आपकी लव मैरिज डेफिनेटली मुझे दिखती है. और इस कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज है, ट्विन फ्लेम्स. ओके योर पैशन इग्नाइट्स. यस तो यस यहाँ पे मैसेजेस है. कुछ लोग तो डेफिनेटली मैंने आपको कहा सोलमेट है, आपने कार्ड सेलेक्ट किया है ये है ट्विन फ्लेम. ठीक है तो कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम होंगे एज आई सेड कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में होंगे कुछ टाइम के लिए हो सकता है सेपरेट हो जाओ. तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट वेरी इजी. यस कुछ लोगों की आपकी शादी सोलमेट से हो रही है एंड कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम से हो रही है एंड ये लव मैरिज है. चलिए हम चिट से देखते हैं हमें और क्या पता चलता है. वी हैव लेटर पी. ओके आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है या फिर आपका हो सकता है फर्स्ट या सेकेंड नेम में. वी हैव नवम्बर. ओके नवम्बर में आप मिल सकते हो
आपका बर्थडे होता है या इस पर्सन का होता है अट्रैक्टिव, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं. ओके फाइनेंशियल क्राइसिस. ओके हो सकता है ये पर्सन कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हो या फिर आप गुजर रहे हो. ओके हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर ये पर्सन हो सकते हैं. केयरिंग. ओके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन केयरिंग होंगे एंड आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं. पेंटर हो सकते हैं ये पर्सन, किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं. ओके प्रोटेक्शन. यस ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे. ओके वी हैव मैरिज. ओके यस डेफिनेटली आपकी शादी होगी अगर आप किसी के साथ सोच रहे हो, किसी को सोच रहे हो मन में रख के कि उनसे शादी होगी कि नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए आया है मैरिज, उस पर्सन से आपकी शादी होगी. वी हैव प्रोफेसर. ये पर्सन प्रोफेसर हो सकते हैं, आप हो सकते हो प्रोफेसर. ओके आर्किटेक्ट हो सकते हैं ये पर्सन, आर्मी या सोल्जर हो सकते हैं. सो यहाँ प्रोफेशन वाइज प्रोफेशन के लिए काफ़ी चिटा है. ओके लेज़ी, आप दोनों में से कोई एक पर्सन लेज़ी हो सकता है. वी हैव टॉल. ये पर्सन लंबे हो सकते हैं आपसे. आपके लिए हैव पेशेंस. मे बी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपकी मैरिज होगी. ओके वी हैव फेमस. ठीक है ना, तो मैंने आपको कहा था ये पर्सन और इनकी फैमिली वेल नोन हो सकती है. वी हैव दिस कार्ड 10 of Pentacles, जो यही बात बताती है कि आपकी शादी जिस घर में हो रही है वो लोग काफ़ी रिच एंड फेमस है. ओके और काफ़ी रिच एंड फेमस साथ ही साथ अच्छे लोग हैं. ओके काफ़ी सपोर्टिव. वी हैव मुस्टैच. इस पर्सन को आप ऐसे पहचान सकते हो. वी हैव फनी. काफ़ी फन लविंग पर्सन होंगे और फनी होंगे. ठीक है हंसी मजाक करना इस पर्सन को पसंद होगा. वेरी सून. ओके सो आपको पेशेंस रखना, ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे. और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी है, ठीक है, अगर आप डील करो, क्योंकि हमारे पास लवर का चिट भी खुला है, तो आपकी शादी इस पर्सन से होगी और बहुत जल्दी. ओके लवर से आपकी शादी होगी. वी हैव लॉन्ग. ओके तो इस पर्सन के बाल लंबे हो सकते हैं या फिर आपके बाल बहुत लंबे हैं. एक्वेरियस हो सकते हैं. लेटर के इज इम्पॉर्टेंट. के पी यहाँ पे. मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव डॉक्टर. ओके तो आप डॉक्टर हो सकते हो. आई है यहाँ पे. सो आपका नेम इनिशियल हो सकता है, ठीक है ना, या इस पर्सन का हो सकता है. अगेन मैरिज. वाओ सो दो बार ये मैरिज है. ओके सो लव मैरिज मुझे यहाँ पे दिखता है. ओके मैंने आपको पहले बताया टॉल नोज हो सकती है इस पर्सन की. वी हैव ट्रैवल. काफ़ी ट्रैवल करोगे आप लोग साथ साथ में. आई विल केयर एंड प्रोटेक्ट यू. वी विल ग्रो ओल्ड. सो ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे. ओके टॉकेटिव. सो ये पर्सन टॉकेटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनको बोलना पसंद हो सकता है. मैंने आपको बताया ना ये पर्सन आप और आप दोनों के बीच में बातें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, आपसे बात करना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा. जून इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रिटी होंगे ये पर्सन देखने में. ओके एंड फनी. यस सो दिज आर द मैसेजेस फॉर यू. आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू. यू लाइक द वीडियो. ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में एंड वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले. कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. ध्यान रखिए अपना. बाय. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है ये आपकी रीडिंग है, या फिर बर्थडे से सिलेक्शन किया है तो फिर आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में. ओके आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी. ओके वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले एंड चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ किसी भी ईयर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, आप देख सकते हैं. अनदर थिंग इज़ दैट कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप किसी भी जेंडर के उस रीडिंग को देख सकते हो. ओके एंड आप री मैरिजेस के लिए देखना चाह रहे हो, लाइक आप सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हो, थर्ड मैरिज करना चाह रहे हो, देख सकते हो. और अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो फिर आप इवन देन आप देख सकते हो. ओके चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जनरल रीडिंग है तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें कि आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट होती है उसे रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिएगा. ओके किससे होगी ऑप्शन नंबर 2 की शादी, हमें बताएं एंजल्स. वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड विच इज 7 of Wands. ओके फिर हमारे पास वैंड का ही कार्ड है एंड ये है 2 of Wands द वेटिंग गेम. देन हमारे पास 6 of Swords है.
बॉटम ऑफ द डेक इज़ मेमोरीज ऑफ लव. ओके सो यहाँ पर ही 666 है, 66 एंड वी हैव नंबर 6 हियर. सो आपको ये एंजेलिक नंबर दिखते होंगे. ओके सो आपके पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, आप फायर साइन हो सकते हो. ओके एंड या फिर आप लोग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो जो कि एयर साइंस है. ओके ये साइंस आपके हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं. सो मुझे यह सेंस हो रहा है कि इस पाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, या तो आप करेंटली सिंगल हो, ठीक है, या फिर आप लॉन्ग टाइम से सिंगल रहे हो, ठीक है ना. आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी अपने लाइफ में किसी तरह का रिलेशनशिप आपने बनाया ही नहीं, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रश है. बट मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपने कभी किसी को डेट नहीं किया है, ठीक है, बट करेंटली यस आप सिंगल यहाँ पे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है. ओके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन होंगे ना, ये पर्सन या तो फॉरेनर हो सकते हैं, कहीं बाहर रहते ये पर्सन किसी डिफरेंट कंट्री में हो सकते हैं, ठीक है, और अगर आपके स्टेट सिटी से है भी तो फिर ये पर्सन कहीं और रहते हैं, ठीक है ना. एंड ये इस पर्सन से आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनेगा. कुछ लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हैं उस पर्सन से, ठीक है. तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. एंड इस पर्सन की ऐसी होगी लाइक इनके फादर नहीं होंगे कुछ लोगों के लिए, और इनकी मदर हो सकती है सिर्फ. ओके तो ऐसे आप इस पर्सन को पहचान सकते हो. एंड ये पर्सन किसी तरह के जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पुलिस मैन हो सकते हैं. ओके इस पर्सन के जो बर्थ चार्ट में ना मार्स काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बोल्ड होने वाले हैं. ओके और इस पर्सन का ना प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरह के बैरियर है, प्रोटेक्टर है, और कुछ लोगों के लिए पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं. मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी अपने लाइफ टाइम में बहुत सिंगल रहे, ठीक है, और ये भी पर्सन वेट करते रहे हमेशा से किसी न किसी पर्सन का या मैरिज का, ठीक है. वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. आप लोग इस पर्सन से स्प्रिंग सीजन में मिल सकते हो. ओके और या आप दोनों उस टाइम पे मिलोगे कि जब आप लोग टोटली सिंगल हो. ऐसा भी हो सकता है कि किसी का रिलेशनशिप पीछे छूट रहा है कोई, ठीक है, और फिर आप लोग मिल रहे हो. काफ़ी डेस्टाइंड कनेक्शन होने वाला है. ओके एंड आपका बर्थडे नवंबर में आता है, और इस पर्सन की एज 27 हो सकती है, आपकी एज 27 या 26 हो सकती है. ओके चलिए हम आगे देखते हैं किससे होने वाली है आपकी शादी. एंड इस पर्सन का बर्थडे ना समर सीजन में आता होगा. ओके सो मई जून जुलाई जब समर सीजन होता है तब इस पर्सन का बर्थडे, यानी मई जून जुलाई इज इम्पॉर्टेंट. हियर वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके यस हमारे पास है एट ऑफ सोर्ड्स. मैं आपको बता रही थी कि इस पर्सन की मदर होंगी, ठीक है, और इस पर्सन के फादर नहीं हो सकते. एंड हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो कि यस डेफिनेटली ये एक वीडियो को शो करता है, ठीक है, सॉरी टू से बट यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. वी हैव स्ट्रेंथ. यस वी हैव जजमेंट. यस ओके मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकती है. पहली चीज़ तो ये, ठीक है, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकती है. ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं और काफ़ी ब्रेव पर्सन होने वाले हैं, बहुत ही बहादुर पर्सन है. ओके हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है. ये पर्सन किसी तरह के मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं. एंड ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करने वाले हैं. ओके इनकी मदर ने इनको सिखाया, चाहिए मेल हो फीमेल है, कि कैसे लोगों की केयर करते हैं, अपनी फैमिली को कैसे केयर करते हैं. और आपकी ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं. ओके ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरह के हीलर होंगे. ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं. ओके और मुझे दिख रहा है ये इस पर्सन को ना किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखती है. ओके या फिर इस पर्सन को पेंटिंग बहुत आती होगी, पेंट बहुत अच्छा करते हो, या फिर लिखते बहुत अच्छे होंगे. सो थोड़े से आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है. इनका प्रोफेशन नहीं बट यस इनको इस चीज़ का शौक जरूर होगा. मुझे दिखता है ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल होने वाले हैं, अपने ट्रेडिशंस को मानने वाले होंगे. ओके मॉडर्न होंगे बट इनकी कुछ ना कुछ तो ऐसी वैल्यूज़ होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन अपने रूट्स से कनेक्टेड है. ओके ये चीज़ें दिखती है. और मुझे यहाँ दिखता है ना कि इन्होंने ना अपनी एक ऐसी फैमिली में ये पर्सन होंगे, या फिर इनका चाइल्डहुड ऐसे फैमिली में बिता होगा जहाँ पर इन्होंने अपने पेरेंट्स के झगड़े देखे होंगे. ओके और अपनी मदर का स्ट्रगल देखा है इस पर्सन ने. इस वजह से इस पर्सन को थोड़ी सी ना कमिटमेंट को लेके
टेंशन होगी, ठीक है, या डर होगा शादी से. सो ये पर्सन जब आपके सामने आएंगे तो मुझे दिखता है थोड़े से ये पर्सन गार्डेड होंगे और शादी के लिए जल्दी से ये पर्सन हाँ नहीं बोलेंगे. ओके और मुझे यह दिखता है कि इनकी मदर आपके घर पे कनेक्शन लेके आ सकती है, मैरिज की प्रपोजल लेके आ सकती है. ओके और ये काफ़ी ज़्यादा ही ना एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन दिख रहा है और ये आपकी डेस्टिनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना. ये पर्सन आपके डेस्टाइंड पार्टनर है. ओके और मुझे यहाँ दिखता है कुछ लोगों ने, जब आप इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, तब आपको फील होगा कि ये वही पर्सन है जिसको कि आपने मैनिफेस्ट किया है. ठीक है, आप काफ़ी सेटिस्फाइड होगे इस पर्सन से, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके अनदर थिंग इज़ दैट कि आप लोग पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन के साथ ही मैरिड थे. सो पास्ट लाइफ जब होगा तो आप ही इस पर्सन के साथ इनके वाइफ या हस्बैंड थे. ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है. ये पर्सन हो सकते हैं, इस पर्सन को किसी न किसी तरह का चीट मिला होगा, हर्ट मिला होगा, वुंड होगा, या इस पर्सन को किसी न किसी तरह का ट्रॉमा होगा. ओके हो सकता है इस पर्सन को कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कम बोलने वाले होंगे ये पर्सन, ठीक है ना, कम बातचीत करते होंगे, बट बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन केयरिंग है. ठीक है, और ये पर्सन ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, लॉयल बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं. एंड इस पर्सन ने ना डेफिनेटली कहीं बाहर चले गए होंगे ये पर्सन पढ़ाई करने के लिए, अपने सिटी टाउन और कंट्री को छोड़ के भी हो सकता है कुछ लोग ये पर्सन बाहर गए हो. इस पर्सन का बर्थडे 8 को आता है, आपका बर्थडे 7 को आता है. ठीक है, सो चलिए हम आगे देखते हैं हमें और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में. फिर देखेंगे आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, किससे होगी आपकी शादी. लिब्रा इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए लिब्रा हो सकता है ये पर्सन. वी हैव कार्ड ऑफ होप. ओके यस, डेफिनेटली ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत होपलेस रहे होंगे रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली इनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे. और जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो फिर इनके मन में एक होप जागेगी. हमारे पास यहाँ पे रोज है, ठीक है, तो ये इस पर्सन को भी पता चल जाएगा कि आपको ट्रस्ट कर सकते हैं ये पर्सन. ओके ये पर्सन आपको ट्रस्ट करेंगे और आपके अंदर भी इस पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी वाइब आएगी कि आप बहुत ही केयरिंग हो, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, सच्चे हो, ऐसे इस पर्सन को पता चलेगा. वी हैव डव हियर, ठीक है, तो इस पर्सन को डेफिनेटली पता चलेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा शांति पसंद करते हो. ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं मैरिजेस में, ब्रोकन मैरिजेस देखी है, बट जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो आप डेफिनेटली आपको देख के ये पर्सन काफ़ी होपफुल हो जाएंगे सिचुएशन में. ठीक है, और हाँ बोल देंगे शादी के लिए. होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ कैन नॉट सी इट, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इन टू अ पॉजिटिव वन. यस, तो यही मैसेज है यहाँ पर कि इस पर्सन की जो भी नेगेटिव इन्होंने माइंडसेट बना रखा होगा मैरिजेस को लेके, आपको देखने के बाद वो चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, वी हैव वेट फॉर विंटर. कुछ लोग इस पर्सन से विंटर में मिल सकते हैं. ओके और इस पर्सन का बर्थडे डेफिनेटली समर में आता है और शादी में आपकी विंटर में हो सकती है. हो सकता है आपका बर्थडे विंटर सीजन में आता हो, मे बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इंपॉर्टेंट है आपके बर्थडे, हो सकते हैं. बट इस पर्सन का बर्थडे डेफिनेटली समर सीजन में आता है. हम समर सीजन की बात कर रहे थे, यहाँ पे विंटर है. ओके सो आप, हो सकता है आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वेट फॉर विंटर, मे बी आप इस पर्सन से विंटर में मिलोगे. ओके ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल. यस, मैंने आपको बताया था ना कि आपको जब इस पर्सन से मिलोगे, शादी हो जाएगी, तब डेफिनेटली आपको फील होगा कि ये वही पर्सन जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है. और यस, डेफिनेटली ये वही पर्सन होंगे जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है. आप बहुत हैप्पी होने वाले हो. मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस, ठीक है, तो यस ये वही पर्सन है जिनके लिए आप इंटेंशन सेट कर रहे हो. वो किस पर्सन, इस तरह के पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. मे बी आप जानते नहीं उस पर्सन को, बट उस तरह के पर्सन होंगे जिस तरह के लाइफ पार्टनर आप चाहते हो. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को विंटर में मिलेंगे या फिर विंटर में आपकी शादी हो सकती है. चलिए हम देखते हैं आगे हमें क्या पता चलता है. मे बी आपका फेवरेट सीजन विंटर सीजन है. मून एनर्जी अगेन, ठीक है, ये पाइल वन में भी आया था. सरेंडर टू द नेचुरल ईव एंड फ्लो ऑफ लाइफ. इफ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज दिस फेरी कम्स टू काम इमोशन एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल. बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप लोग जो आप करेंटली मे बी सिंगल हो, बट यस हो सकता है आपका पास में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ एंड आप डेफिनेटली पूरी तरह से गॉड को सरेंडर कर चुके हो कि वही आपके लिए कोई पर्सन को भेजेंगे. ठीक है ना, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो सकते हो. ओके एंड ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं एंड ये पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे. ओके
मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक कैंसेरियन हो सकते हैं, ओके, या आप हो सकते हो। सो यस, डेफिनेटली मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी मैरिज में। इस पर्सन का हो सकता है, इस पर्सन की मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी या फिर आपकी होंगी, ओके। एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन केयरिंग होने वाले हैं, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे। नाउ हम अभी क्या देखने वाले हैं, लाइक कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम देखेंगे स्टडी में, चलिए हम पूछते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होने वाली कि अरेंज मैरिज। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर टू, उनकी शादी अरेंज मैरिज होने वाली है, लव मैरिज होने वाली है, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव द कार्ड ऑफ टावर, ओके, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। हम कुछ और कार्ड्स लेंगे, प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, डेथ एंड रिबर्थ, ओके। सो यस, बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ बैंड्स, एंड यहाँ पर भी सेवन ऑफ बैंड्स है, वाओ। सो ऑप्शन नंबर टू मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, ओके, ये एक जनरल रीडिंग है एंड जो मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे कन्वे करने, ठीक है। तो मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो उस पर्सन से आपकी शादी तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। और ये जो मैरिज होगी ना आपकी, वो अरेंज मैरिज होगी। अगर आप किसी के साथ डील भी कर रहे हो, बट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है आप लोग सिंगल हो या फिर पास्ट में ही किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होने वाली है, एंड जो भी कनेक्शन आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं वो आपके पीछे ही छूट जाएंगे, ओके। और ये पर्सन बिल्कुल नए होंगे और इनके साथ आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। विद द टावर कार्ड एंड द डेथ एंड रिबर्थ कार्ड, आपकी पास्ट की कोई रिलेशनशिप ऐसी होंगी जो आपको लेसन सिखा के जाएंगे। आप मे बी किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, बट आपकी शादी जो होगी वो आपकी ये हैप्पीनेस डेफिनेटली लेके आएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, एंड आप उस पर्सन से शादी करोगे, उस तरह के पर्सन से शादी करोगे जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट ये पर्सन होंगे वैसे जो आपके लिए अरेंज मैरिज के थ्रू आएंगे, ओके। आपके फादर और मे बी इनकी मदर के द्वारा ये कनेक्शन फिक्स किया जाएगा आपकी मैरिज, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। मे बी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे एंड ये पर्सन आपको परफेक्ट लगेंगे और आप इस पर्सन को सेलेक्ट करोगे, ओके। और आपको जब ये लोग आपको मिलने आएंगे ना, ये लोग आपको तुरंत से सेलेक्ट कर लेंगे और बहुत जल्दी आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो यस, पाइल नंबर टू मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, ओके, एंड आप मैरिज के बाद आप बाहर मूव कर सकते हो, ओवरसीज भी जा सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। ऑप्शन नंबर टू अभी हम देखेंगे, जिस कार्ड को आपने सेलेक्ट किया था उसमें आपके रिलेशनशिप के लिए, ओके, आपके मैरिज के लिए क्या मैसेज है, जिस पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी। वी हैव पावर, ओके, you instinctively know what is the right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे मैसेज कन्फर्म भी है कि आप डेफिनेटली पास्ट रिलेशनशिप से वॉक अवे करोगे, ठीक है ना। एंड यस, अगर आप किसी पर्सन का वेट भी कर रहे हो, पास्ट के पर्सन का, तो आप डेफिनेटली उनको ना बोलोगे एंड आप वॉक अवे कर जाओगे। वी हैव दिस डेथ एंड रिबर्थ कार्ड, डेफिनेटली पास्ट की रिलेशनशिप को से आप बाहर निकल के ये आपके लिए अरेंज मैरिज का कनेक्शन आने वाला है। और आपको मे बी इंट्यूटिवली फील भी होता है, आपकी गट फीलिंग है ये कि आपकी मैरिज अरेंज मैरिज होने वाली है एंड वो आपके लिए बहुत ही सुइटेबल होगी, बेस्ट होगी। एंड समवेयर आपको मैरिज के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको कहा ना, मैरिज से पहले आपको नहीं पता चलेगा कि ये वही पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको मैरिज के बाद डेफिनेटली रियलाइज होगा जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे कि ये पर्सन वही है जिनको आपने विश किया। नाइन ऑफ कप्स कार्ड ऑलवेज शोज कि आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है, एंड यहाँ पे डेफिनेटली मैसेज है नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। सो आप मे बी किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल देखा है, पावर स्ट्रगल हो सकता है, ये पर्सन आपको डोमिनेट कर रहे थे पास्ट में, हो सकता है कोई मैरिज में आप रह चुके हो, या फिर आप मैरिज में नहीं भी रहे हो तो आप रिलेशनशिप में रहे हो अगर, तो फिर आपने काफ़ी पावर स्ट्रगल देखा है, ओके। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। सो पाइल नंबर टू, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं और भी इन्फॉर्मेशन क्या पता चलता है जिस पर्सन से आपकी शादी होगी। ओके, लेट्स सी हमें क्या पता चलता है। पेंटर, ओके, सो ये पर्सन पेंटर हो सकते हैं, ओके। इस पर्सन को पेंटिंग करना पसंद हो सकता है। नंबर वन इज़ हियर, ठीक है। तो आपका बर्थडे
या फिर इस पर्सन का बर्थडे आता हो, ओके, या फिर आप लोगों के लिए जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वन ईयर में आप मिल सकते इस पर्सन से, या कुछ लोग वन मंथ में मिल सकते हैं. वी हैव कैप्रिकॉर्न, जोडियक साइन आपका हो सकता है. वी हैव फ्लावर्स, तो फ्लावर्स ये पर्सन आपको बहुत गिफ्ट करेंगे, ठीक है ना. साउथ इंडिया से ये पर्सन हो सकता है, आप दोनों हो सकते हो. डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन. UAE, तो ये पर्सन हो सकता है UAE में अभी रहते हो या पढ़ने गए हो, जॉब के लिए गए हो, ठीक है. या ये पर्सन UAE से हो ही सकते हैं. रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते हो. करेंट पार्टनर, ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये करेंट पार्टनर है आपके, ठीक है. मे बी बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर यस, बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन करेंट पार्टनर है, ओके. यहाँ पे ये बताना चार एंजल्स, ओके. वी हैव रॉयल, ओके, सो यहाँ पे UAE है एंड रॉयल है, ओके. तो मे बी हो सकता है ये UAE में रॉयल फैमिली के पास कोई जॉब करते हो, ठीक है. या फिर ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं. हेयर स्टाइलिस्ट, ओके, इनका जॉब हो सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकता है ये पर्सन. एजुकेटेड काफ़ी होंगे, पढ़े लिखे अच्छे. इंडिया, सो इंडिया से हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते हो ये पर्सन UAE से हो सकते हैं. मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़ हियर, इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका बर्थडे आता हो. अक्वेरियस इज़ हियर, ओके, ज़ोडियक साइन आपका ये इस पर्सन का हो सकता है, सन मून राइजिंग, एंड हो सकता है आप सेप्टेम्बर में मिलो, ओके. सो ऑप्शन नंबर टू, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू. ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना. बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.